हे गाइस नमस्कार एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो लेट मी इंट्रोड्यूस माय सेल्फ। माय नेम इज अनुषा और आज हम लोग कर रहे हैं वीकली रीसेट पार्ट 3। सो अगर आपने मेरा फर्स्ट 2 ब्लॉग्स ऑन वीकली रीसेट्स नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन करूंगी, तो प्लीज देखना मत भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो के साथ। सो गाइस हमने टोटल 21 डेज का चैलेंज कंप्लीट कर लिया है और मुझे बहुत ही ज्यादा एक्साइटमेंट हो रही है अपने रिजल्ट्स को बताने में और मुझे क्या क्या चैलेंजेस उसमें आई और हमने ये चैलेंज कैसे कंप्लीट किया आज के वीडियो में वो सब हम लोग डिस्कस करेंगे। वीडियो शुरू करने से पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगी आपसे कि प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मैं एक न्यू यूट्यूबर हूँ तो आपका सपोर्ट मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स बिगिन विद द वीडियो। अगर आपने मेरे लास्ट 2 व्लॉग्स देखे हैं तो हमने उसमें सारे शॉर्ट्स वीकली शॉर्ट्स दिखाए थे, तो सेम हम लोग इसमें क्विक रिकैप देखेंगे। और अगर आपने ऑलरेडी मेरे शॉर्ट्स मेरे चैनल पे देखे हैं तो वो पार्ट स्किप करके आगे देख सकते हैं। अगर आप लोगों ने वो नहीं देखा है तो आप लोग प्लीज सारा वीडियो देख लेना। सो लेट्स बिगिन विद अ क्विक रिकैप। हे गाइस आज है डे 15 और डे 15 की शुरुआत हुई जिंजर वाटर और नट्स और रेजिन के साथ। आज भी मैं देर से उठी थी तो मैं देर से उठने का रीजन आपको वीकली ब्लॉग में बताऊंगी। सो, उसके बाद मैंने किया कार्डियो कंप्लीट। आज का कार्डियो था टोटल 25 मिनट्स का। उसके बाद मैं घर आई और डायरेक्ट मैंने किया लंच। लंच कंप्लीट करने के बाद मैंने की बुक रीडिंग की एक्टिविटी कंप्लीट। उसके बाद स्नैक टाइम में पीनट बटर टोस्ट विद ग्रीन टी लिया। उसके बाद मैं बाहर गई थी इलेक्ट्रॉनिक शॉप जहाँ से मैंने कुछ परचेस किया क्योंकि कल है फादर्स डे और उनके लिए मैं कुछ करना चाहती थी खास। स्टूडियो से भी मैंने कुछ परचेस किया जो मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। घर आने के बाद मैंने चने खाए एंड उसके बाद मैंने किया अपना वर्कआउट कंप्लीट। वर्कआउट था आज टोटल 20 मिनट्स का जिसमें मैंने किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग। उसके बाद मैंने बनाया था आज डिनर जो था चिकन पास्ता जो था वीट से बना हुआ एंड उसके बाद मैंने अपने कंप्लीट किए स्टेप्स। ये आज का दिन, मिलते हैं कल। बाय बाय एंड टेक केयर। हे गाइस गुड मॉर्निंग और आज है डे 16। डे की शुरुआत आमला जूस और नट से हुई। मैंने सुबह केक ऑर्डर किया था क्योंकि आज है फादर्स डे और फाइनली मैंने अपना ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद मैं चली गई कार्डियो कंप्लीट करने। आज का कार्डियो था टोटल 25 मिनट्स का। उसके बाद मैंने किया घर आकर वर्कआउट। वर्कआउट में आज मैंने किया वापस से स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो था टोटल 21 मिनट्स का। आज फादर्स डे था तो मैंने केक मंगाया था तो हमने उसे सेलिब्रेट किया एंड उसका व्लॉग भी मेरे चैनल पे अवेलेबल है तो आप देख सकते हैं। उसके बाद मैंने किया लंच। आज लंच में बना था मैंगो करी साउथ इंडियन स्पेशल एंड उसके बाद मैंने किया अपना एक व्लॉग एडिट जो वीकली रीसेट के रिगार्डिंग है तो वो भी अपलोडेड है गाइस। एंड स्नैक टाइम में मैंने मखन एंड ग्रीन टी लिया एंड विथ लड्डू। रात में मैंने थोड़ी सी बिरयानी ली एंड त्रिपला चूरना पीकर अपना डे एंड किया। ये रहा मेरा आज का स्टेप्स, मिलते हैं कल। बाय बाय। हे गाइस सेम रूटीन के साथ हमने दिन की शुरुआत की और आज है डे 17 और मैंने आज ब्रेकफास्ट किया एंड उसके बाद मैं चली वर्कआउट करने। आज मैंने कार्डियो नहीं किया, उसके जगह मैंने किया फुल बॉडी एंड कोर वर्कआउट जो था टोटल 45 मिनट्स का। आज वर्कआउट करने में बहुत मज़ा आया एंड बहुत अच्छी एनर्जी फील हुई। तो वर्कआउट कम्प्लीट करने के बाद मैंने शुरुआत की लंच के साथ। लंच कंप्लीट होने के तुरंत बाद मैंने की बुक रीडिंग। बुक रीडिंग करने के बाद मैंने थोड़ा सा नैप लिया एंड उठने के बाद मैंने लिया अपना स्नैक। स्नैक में था डाइट चूड़ा एंड ग्रीन टी। उसके बाद एक लड्डू लिया एंड काम करते करते मैंने चने एंजॉय किए। रात में डिनर किया। ये रहा मेरा आज का स्टेप्स और थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ। बाय बाय। हे गाइस गुड मॉर्निंग, आज है डे 18। डे 18 की शुरुआत सेम रूटीन से हुई और आज मैंने किया ब्रेकफास्ट। ये सब मैं ब्रेकफास्ट स्किप नहीं कर रही और मैंने खाया गरम गरम पोहे। उसके बाद मैं निकली अपना कार्डियो सेशन कंप्लीट करने। हम लोग स्टेयर का ही यूज़ कर रहे हैं। मैंने आज कार्डियो किया टोटल 25 मिनट्स का। उसके बाद मैं आ गई घर वर्कआउट कंप्लीट करने। वर्कआउट मैंने किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग जो था टोटल 20 मिनट्स का। उसके बाद मैंने किया अपना लंच कंप्लीट। आज लंच कंप्लीट करने के बाद मैंने तुरंत बुक रीडिंग स्टार्ट कर ली। फिर लिया एक छोटा सा नैप। उसके बाद मैंने लिया आज ग्रीन टी। मैंने स्नैक्स टाइम में कुछ नहीं खाया। वर्क फ्रॉम होम में काम करते करते मुझे थोड़ी भूख लगी तो मैंने मखाने खाए। उसके बाद मैंने अपना डिनर कंप्लीट किया। ये रहा मेरा आज का 10,000 स्टेप का स्टेटस। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं कल एक नई शुरुआत के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।
हे गाइस, आज है डे 19 और डे की शुरुआत हुई आंवला जूस और नट्स के साथ। ओट मिल के साथ मैंने ब्रेकफास्ट कंप्लीट किया और मुझे बाहर जाना था। बाहर जाकर मैं जब घर आई, मैंने किया लंच कंप्लीट और मैंने बुक रीडिंग की। इवनिंग में स्नैक टाइम कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैं चली कार्डियो करने। कार्डियो करते जाते वक्त मुझे मिला एक क्यूट सा फ्रेंड और उसके साथ थोड़ा खेल कर मैं पहुंची कार्डियो कंप्लीट करने। आज मैंने कार्डियो कुछ लगभग 30 मिनट्स तक किया, जो कि बहुत ही ज़्यादा था, बट बहुत मज़ा भी आया। उसके बाद मैं घर आई और मैंने किया वर्कआउट। पूरी एनर्जी मैंने कार्डियो में लगा दी, तो मैंने वर्कआउट कम कर दिया, लेकिन मैंने 45 मिनट्स का वर्कआउट कम्प्लीट कर लिया। आज ऑफिस को छुट्टी थी इसलिए मैंने इवनिंग वर्कआउट किया। वर्कआउट कंप्लीट होने के बाद मैंने किया अपना डिनर कंप्लीट। डिनर कंप्लीट के बाद मैंने किया स्टेप्स कंप्लीट, जो था टोटल 10,000। और आज का दिन यही ख़त्म करते हैं, मिलते हैं कल के दिन। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और आज है डे 20 और आज है हमारा सेकेंड लास्ट डे भी। डे की शुरुआत की जिंजर वाटर और नट्स के साथ, फिर चली स्टेयरकेस के हेल्प से जिम की ओर। जिम में किया मैंने कार्डियो सेशन कंप्लीट, जो था टोटल 27 मिनट्स का। उसके बाद मैं आई घर और घर पे किया मैंने अपना वर्कआउट कंप्लीट। वर्कआउट में मैंने किया स्ट्रेंथ ट्रेनिंग, जो था टोटल 20 मिनट्स का। आज मुझे थोड़ा टायर्ड फील हो रहा था और बॉडी में भी थोड़ी पेन थी, तो इसलिए मैंने आज वर्कआउट बहुत कम किया, बट मेरे 45 मिनट्स कंप्लीट कर लिए। उसके बाद मैं फ्रेशन अप हुई और फ्रेशन अप होने के बाद मैंने अपना लंच कंप्लीट किया। लंच होने के बाद मैंने एक बनाना खाया, उसके बाद बुक रीडिंग के लिए बैठ गई। फिर ग्रीन टी पिया स्नैक टाइम में और एक लड्डू भी एंजॉय किया। फिर काम करते करते मैंने खाए कुछ कैश्यूज। उसके बाद मैंने डिनर कंप्लीट किया। डिनर कंप्लीट होने के बाद मैंने अपने स्टेप्स कंप्लीट किए। ये रहा आज का काउंट। मिलते हैं नए दिन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। हे गाइस, गुड मॉर्निंग और आज है हमारा लास्ट डे ऑफ 21 डेज चैलेंज और मैंने दिन की शुरुआत की आंवला जूस और नट्स के साथ। फिर हम लोग चले कार्डियो करने के लिए और हम लोग कर रहे स्टेयरकेस का यूज़ ही। कार्डियो मैंने किया टोटल 26 मिनट्स का और आ गई घर वर्कआउट करने। वर्कआउट में मैंने आज किया योगा, क्योंकि आज है इंटरनेशनल योगा डे और योगा आज के दिन ना करे ऐसा हो सकता है, तो मैंने किया योगा कंप्लीट, जो था टोटल 20 मिनट्स का। उसके बाद मैंने किया लंच। लंच करने के बाद मैंने स्नैक टाइम में खाया राइस केक विद ग्रीन टी एंड फिर मैंने की अपनी बुक रीडिंग कंप्लीट। फाइनली लास्ट पेज पे थी तो बहुत खुश थी। फिर मैंने किया डिनर कंप्लीट। ये रहा मेरा आज का स्टेप्स। मिलते हैं कल वीकली व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। सो फाइनली कैसा लगा मेरा ये लास्ट चैलेंज बताइएगा मेरे कॉमेंट सेक्शन में। तब तक के लिए बाय बाय। सो गाइस, आपने अभी देखा मेरा लास्ट वीक का ओवरऑल शॉर्ट्स, जिसमें मैंने सब कुछ एज पर माय रूल कंप्लीट कर लिया है और आज टोटल 21 डेज कंप्लीट हो चुके हैं मेरे चैलेंज को। और जब मैंने ये वीडियो स्टार्ट किया था तब से लेके अब तक जो जो चेंजेस हुआ है मैं वो सब कुछ मेंशन करूंगी। सो लेट्स बिगिन विथ आवर रूल्स। तो मेरा पहला रूल था नो जंक फूड। सो अगर आपने नोटिस किया मेरे सारे वीडियोस में, तो मैंने अभी तक कुछ भी जंक फूड या ऑयली फूड या कोई भी आउटसाइड फूड कंज्यूम नहीं किया है, तो वो चेक बॉक्स हमारा कंप्लीट हो चुका है। सेकेंड स्टेप था हमारा नो शुगर डाइट। सो मैंने अब तक जो भी कंजम्पशन लिया है वो सारा प्रॉपर होममेड फूड था। कुछ क्लिप्स मेरे ऑफिस के भी थे, तो मैंने ऑफिस में भी हेल्दी ही चीज़ें कंज्यूम की है। कुछ भी उसमें जंक वगैरह नहीं था, ना ही शुगर कुछ एडेड था। सो सेकेंड चेक बॉक्स भी कंप्लीटेड। उसके बाद हमारा थर्ड रूल था, वो था 45 मिनट्स ऑफ वर्कआउट। सो मैंने वर्कआउट का दो सेक्शन सेट किया था। एक था हमारा कार्डियो, जो था ऑलमोस्ट 20-25 मिनट्स पर डे। उसके बाद जो भी रिमेनिंग टाइम होता था मैं वर्कआउट को डेडिकेट करती थी। वर्कआउट में मैंने योगा, पिलाटेस, इवन स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी इंक्लूड किया था। तो मैं ऑल्टरनेटिव न्यू एक्सरसाइजेस ट्राई करती थी। मैं बहुत सालों से होम वर्कआउट करती हूँ, तो मुझे आइडिया है कि कैसे हर चीज को करना चाहिए। अगर आप लोगों को परेशानी होती है एट द बिगिनिंग, आप यूट्यूब वीडियोस को रेफर कर सकते हैं। अदरवाइज आप किसी के हेल्प से या किसी के गाइडेंस से आप लोग वो वर्कआउट स्टार्ट करिए। आपको कोई भी आसन्स में डिफिकल्टीज आती है बिगिनिंग में, तो आप धीरे धीरे आपके बॉडी को स्ट्रेच कीजिए, किसी की मदद लीजिए स्ट्रेचिंग में वगैरह, या फिर आप ब्लॉक की यूज भी कर सकते हैं, तो आपको धीरे धीरे बॉडी आपके हेल्प करने लगेगी स्ट्रेचिंग में एंड ऑल।
और अगर आपको लग रहा है कि आप एक पीरियड ऑफ टाइम में टायर्ड हो तो गाइज आप रेस्ट भी ले सकते हो। ये तो मैंने अपने लिए चैलेंज किया था, तो मैंने एक भी दिन रेस्ट नहीं लिया, तो मैं कंटिन्यू अपने वर्कआउट कर रही थी, बस मेरे बॉडी पे ज्यादा इम्पैक्ट ना हो, लाइक पेन ना हो, इसलिए मैंने ऑल्टरनेट एक्सरसाइज चूज किए थे, जैसे पिलाटेस एंड स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, योगा। सो इससे मेरी बॉडी में स्ट्रेचिंग भी हो रही थी एंड मेरा वर्कआउट भी अच्छे से कंप्लीट हो रहा था। ओवरऑल मैंने अपने 45 मिनट्स के वर्कआउट टाइमली बेसिस पे कंप्लीट किया है। हमारा थर्ड चेकबॉक्स भी कंप्लीट होता है। हमारा फोर्थ रूल था 10,000 स्टेप्स पर डे। सो यस गाइस, मैंने 10,000 स्टेप पर डे कंप्लीट किया है, उससे ज्यादा भी किया है। अगर आपसे पॉसिबल है तो आप उससे ज्यादा कर सकते हैं, बट अगर आपका सिटिंग वर्क है तो बॉडी को थोड़ा मूवमेंट दीजिए, अदरवाइज आपको बैक इशू, नेक में पेन, बहुत सारे ऐसे इशू स्टार्ट हो जाती है। अगर आप एक ही जगह बैठ के कंटिन्यूसली काम करते हैं तो थोड़ा बहुत मूवमेंट जरूरी है बॉडी के लिए। तो कोशिश करिएगा कि आप 10 मिनट का ब्रेक ले या 20 मिनट्स का ब्रेक ले, तो मिनिमम उतने में आप कंप्लीट कर लीजिए स्टेप्स, तो वो आपके लिए बहुत ही बेनिफिट होगा। सो यहाँ पे मैंने कंप्लीट किया अपना फोर्थ चेक बॉक्स भी। सो फिफ्थ रूल था हमारा, वो था रीडिंग अ बुक। सो रीडिंग अ बुक रियली हेल्प मी अ लॉट गाइज। मैंने पूरी बुक कल कंप्लीट कर ली थी और मेरे चेहरे पे इतनी ज्यादा स्माइल आ गई थी उस मोमेंट में कि मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, बिकॉज वो बुक इतनी ज्यादा हेल्पफुल है। मैंने हर वीडियो में मेंशन किया कि आप वो बुक जरूर पढ़िएगा, तो प्लीज गाइस उससे रीड कीजिए और मुझे बताइएगा कि आपको वो बुक कैसी लगी। सो गाइस लेट्स टॉक अबाउट बुक फर्स्ट। सो एटीट्यूड इज एवरीथिंग इज रिटन बाय जेफ केलर, और ये बुक इतना ज्यादा आई ओपनिंग बुक है कि आपको लाइफ में कभी भी कोई प्रॉब्लम्स आती है उसकी रिलेटेड ये बहुत ही अच्छा आपको सजेशन देता है, आपको पॉजिटिव वे से आपको लाइफ में कैसे सक्सेस पाना है इसके रिलेटेड ये बुक है। सो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूँगी कि आप लाइफ में एक बार ये बुक जरूर पढ़िए, और मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा अगर आपने ये बुक रीड की है तो आपको ये कैसे लगा है, बिकॉज ये बुक बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल है आपके नेगेटिव थॉट्स को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए, आपको बहुत हेल्प करेगा, ऑलवेज आपको सपोर्ट करेगा हर एक चीज में कि आपको कैसे आपके नेगेटिव थॉट्स पे इम्प्रूव करना चाहिए। आपके सराउंडिंग में अगर कोई नेगेटिव पर्सन है, जो आपके दिमाग में नेगेटिव थॉट्स डाल रहा है, तो उसके साथ आपको डील कैसे करना चाहिए उसके बारे में भी बहुत ही अच्छे से राइटर ने सिंपल लैंग्वेज में बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेनेशन दिया है। तो आप ये बुक जरूर रीड करिएगा। एंड लास्ट में उन्होंने अपनी स्टोरीज भी बताई है कि उन्होंने अपने आप पे ये सारे चीज़ों को कैसे अप्लाई किया है और उन्हें इस वे से कितना सक्सेस मिला है उसके रिलेटेड भी ये बुक है। सो डेफिनेटली वर्थ रीडिंग, डू रीड एंड लेट मी नो योर रिव्यू। तो बुक रीडिंग के बारे में तो हो गई बातें, अब करते हैं मैंने ये 21 डेज के चैलेंज में क्या क्या सीखा एंड क्या क्या ड्रॉबैक्स भी थी। तो बिगिन करते हैं क्या क्या सीखा। सो लेट मी एक्सप्लेन, ये जो चैलेंज था ये इजी नहीं था गाइज मेरे लिए, तो बिकॉज बीइंग अ कॉर्पोरेट एम्प्लॉय इट्स रियली डिफिकल्ट एट अ पॉइंट कि आपको एक तो उठना है और ये सारे एक्टिविटी विथ प्रॉपर डिसिप्लिन कंप्लीट करना है। सो मेरे दिमाग में एक ही चीज था कि मुझे कंप्लीट करना है किसी भी हाल में, कुछ भी हो जाए। तो मैंने बहुत अच्छे से चैलेंज कंप्लीट किया, बट मुझे इश्यूज आए मेरे स्लीप साइकिल में, जो मैंने लास्ट वीडियो में भी आपको बताया था। मैंने कोशिश की थी कि मैं अपना 8 hours कंप्लीट करूं, बट मुझसे वो नहीं हुआ। सो बेसिकली अगर आपका स्लीप साइकिल अच्छे से नहीं हो रहा है ना, सो ये चैलेंज करना एक्चुअली डिफिकल्ट हो जाता है। एंड जो मोटिव से आप ये चैलेंज कर रहे हो तो वो आपके वेट को भी इम्पैक्ट करेगा। सो यस, मेरा जो वेट था, लेट मी रिवील दैट फर्स्ट। सो मेरा वेट था बिगिनिंग ऑफ द चैलेंज वो था 66 kg, एंड अभी आफ्टर 21 डेज कंप्लीटेड मेरा एक वीक में ही 1 kg ड्रॉप हो गया था, बट अभी भी मेरा 1 kg ड्रॉप है, उसमें कोई चेंजेस नहीं है। सो माय करंट वेट इज 65 kg। सो यस गाइस, बिकॉज ऑफ स्लीप साइकिल आपके वेट पे इम्पैक्ट आ सकता है, उसमें चेंजेस होने के चांसेस बहुत कम हो जाती है अगर आप एक प्रॉपर स्लीप नहीं लेते हो। तो गाइस वेट के ऊपर आप ज्यादा
डिपेंडेंसी ना रखे, मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आप BMI कैलकुलेटर के हिसाब से आपका वेट रेंज चेक करिएगा, बिकॉज वो आपको हेल्प करेगा आपके हाइट के हिसाब से आपका वेट कितना होना चाहिए उसके रिलेटेड। लेकिन अगर आपको कब वेट चेक नहीं करना चाहिए मैं वो बता सकती हूँ। अगर आप खाने के बाद आपका वेट चेक कर रहे हो तो डेफिनेटली आपके वेट में कम ज्यादा आने के चांसेस है। एंड सेकेंड, बिफोर एंड एट द टाइम ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल आपको वेट चेक नहीं करना है, बिकॉज जो हार्मोनल चेंजेस होते हैं बॉडी में तो उस टाइम पे आपके बॉडी में वाटर लेवल होल्ड हो जाता है। सो उसमें ना वेट फ्लक्चुएट हो सकता है, कभी भी वेट ज्यादा दिख सकता है या फिर कभी भी वेट कम दिख सकता है, तो एक्यूरेट नहीं होगा। एंड जब आप हैवी वर्कआउट करते हो उसके बाद भी आपको वेट चेक नहीं करना है, इवन आप अगर बीमार है तो तब वेट चेक नहीं करना है। एंड अगर आप बाहर का फूड खाकर वेट चेक कर रहे हो तो फिर डेफिनेटली नो फॉर दैट टू। सो यहाँ पे जो मेरा सिनेरियो है गाइस वो है सेकेंड वन, जो है बिफोर एंड एट द टाइम ऑफ योर मेंस्ट्रुअल साइकिल। मैंने अपना जो वेट चेक किया है, मेरा जो क्राइटेरिया आ रहा है वो है ऑन नंबर टू, विच इज बिफोर एंड एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो यस, मेरे जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है वो इसी वीक में होने वाले है। सो इट इज लाइक मैंने एक या दो दिन पहले चेक कर लिया अपना वेट, सो ऑब्वियसली उसमें कम ज्यादा आने के चांस है, बिकॉज एट दैट पीरियड ऑफ टाइम ना आपको थोड़ी बॉडी हैवी लगना स्टार्ट हो जाती है एंड यू फील लाइक नॉट डूइंग एनीथिंग। आपके मूड स्विंग्स, हार्मोनल चेंजेस एंड बहुत सारी चीजें स्टार्ट होने लगती है। इवन अगर सच बताओ तो मुझे आज का वीडियो भी रिकॉर्ड करने का मन नहीं था, बट यस मुझे रिकॉर्ड करना है, बिकॉज आपको रिजल्ट ना दू ऐसे थोड़ी ना चल सकता है ना। सो मुझे रिजल्ट तो आपको बताना था, तो यस मैंने सिर्फ 1 kg लूज किया है ओवरऑल 21 days ऑफ चैलेंज का। लेट मी टेल यू गाइज की 21 days ने मेरे बॉडी पे क्या बेनिफिट हुआ है उसके बारे में। सो यस, फैट लॉस बहुत अच्छे से हुआ है। सेकेंड, मेरे एक्नेस फेड होना स्टार्ट हो चुके हैं। एंड थर्ड, मुझे शुगर क्रेविंग बंद हो गई है। लिटरली मुझे शुगर की क्रेविंग नहीं हो रही है, कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने मेरा लास्ट ब्लॉग देखा है तो मैंने उसमें मेंशन किया था कि मेरा चैलेंज खत्म हो जाएगा, और आज 22nd day है एंड चैलेंज खत्म हो चुका है। एंड मैंने कहा था कि मैं चीज केक खाऊंगी ऑर्डर करके, बट मेरा मन ही नहीं कर रहा है कि मुझे चीज केक ऑर्डर करना चाहिए एंड खाना चाहिए, बिकॉज मुझे लिटरली कोई शुगर क्रेविंग नहीं हो रही है। एंड स्टिल मैंने सुबह ओट्स में, अभी भी यहाँ पे ऐड करती हूँ, मैंने ओट मील में मेरे डार्क चॉकलेट डाला था एंड मुझे एक्चुअली शुगर का टेस्ट अच्छा नहीं लगा। मुझे बहुत ही ब्लैंड लगा उसका टेस्ट, ऐसा लग रहा था पता नहीं मैं क्या ही खा रही हूँ, बिकॉज मन ही नहीं कर रहा था कि मैं शुगर इंटेक करूं। एंड ये एक्चुअली पॉजिटिव साइन है, बिकॉज मुझे कभी भी अगर मेरे मेंस्ट्रुअल साइकिल के बिफोर एंड एट दैट टाइम ऑफ वीक मुझे बहुत ज्यादा शुगर क्रेविंग हो जाती है, बट यस इस बार ऐसा कुछ नहीं हो रहा है एंड मेरा मन ही उठ गया शुगर से। तो ये मेरे लिए बहुत ही अच्छी बात है, अगर मेरा शुगर क्रेविंग इतना अच्छे से कम हुआ है एंड मुझे शुगर खाने का मन नहीं कर रहा था, मैं ये चैलेंज को डेफिनेटली कंटिन्यू करूंगी। एंड गाइस ये रहा मेरा ओट मिल्क का क्लिप। सो गाइस लेट मी टेल यू जो जो डिफिकल्टीज मुझे ये 21 days के चैलेंज में आया था। सो यस, फर्स्ट ऑफ ऑल माई स्लीप साइकिल जो बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हुआ था, एंड उसके बाद मुझे जो डिफिकल्टी आई थी वो एट द एंड मुझे थोड़ा बहुत टायर्ड फील होने लगा था कुछ जब दिन बचे थे, लाइक लास्ट के 3-4 days में मुझे थोड़ा वीकनेस और टायर्ड फील होने लगा था, मे बी बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्लीप। सो वो एक रीजन हो सकता है। एंड यस, अगर आपका स्लीप अच्छे से नहीं हो रहा है ना गाइस, आपका वेट रिड्यूस होने में बहुत ज्यादा इश्यू आएगा। सो अगर आपको वेट रिड्यूस करना है तो मैं डेफिनेटली सजेस्ट करूंगी कि प्लीज आपका 8 hour साइकिल का जो स्लीप साइकिल होता है 8 hours का वो कंप्लीट करिए एंड उसके बाद ही ये चैलेंज एक्सेप्ट करना, बिकॉज मुझे थोड़ी बहुत डिफिकल्टीज आई बट मुझे बहुत ही ज्यादा मोटिवेटेड भी फील हुआ, बिकॉज एक डिसिप्लिन मेंटेन हो गया था कि मुझे उठना है, मुझे वर्कआउट करना है, मुझे 10,000 steps कंप्लीट करने हैं एंड मुझे बुक रीडिंग भी करनी है।
एंड वो डेली बेसिस पे रिकॉर्ड कर रही थी, तो मुझे ही बहुत अच्छा लग रहा था, मुझे बहुत मोटिवेटेड फील हो रहा था। एंड एक प्रॉपर डिसिप्लिन जब बन जाता है ना गाइस, तो आपको वो चीज़ कंटिन्यू करने की आदत लग जाती है। तो सेम मेरे साथ भी हुआ, मुझे वो चीज़ अच्छी लगने लगी एंड अभी भी मैं उससे आज फॉलो कर रही हूँ एंड स्टिल आई एम वेयरिंग माय वॉच। एंड आज भी मैं अपने 10,000 स्टेप कंप्लीट करने वाली हूँ, बिकॉज मुझे अभी आदत लग चुकी है एंड मैं ये आदत खराब नहीं करना चाहती। एंड अगर आपको ये ज्ञान मेरे तरफ से अच्छा लग रहा है तो गाइस मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ऐसे ज्ञानी वीडियोस और चाहिए कि नहीं। अगर थोड़ी बहुत चूक हो गई होगी, क्योंकि मैं भी फर्स्ट टाइम कर रही हूँ, मैं न्यू यूट्यूबर हूँ एंड मैं नॉलेज शेयर करना चाहती हूँ, बट थोड़ा बहुत अगर एक्सप्लेनेशन में गलती हो रही है गाइस, तो प्लीज़ अभी के लिए मुझे बेयर कर लीजिएगा। बट मैं कोशिश करूँगी कि वीडियो मैं और अच्छे से बनाऊँ एंड आपको और डिटेल में चीज़ें बताऊँ। लेकिन अगर आपको ऐसे वीडियोस अच्छी लग रही है तो मुझे बताइएगा कि मुझे ऐसी वीडियो बनानी चाहिए कि नहीं चाहिए। अगर ये आपको हेल्प कर रही है, आपको मोटिवेट कर रही है, तो मैं डेफिनेटली ऐसे वीडियो डेली बेसिस पे अपलोड करना ज़रूर चाहूँगी। एंड फ्रॉम टुडे गाइस आप लोगों को शॉर्ट्स अवेलेबल नहीं होगी, बट मैं कोशिश करूंगी कि कुछ नया आपके लिए जल्दी लेके आओ। आप मुझे कुछ सजेस्ट कीजिए कि आपको नया क्या देखना है एंड मैं उसके ऊपर वीडियो डेफिनेटली बनाना चाहूंगी। एंड चलिए आज के लिए इतना ही, तो यहाँ पर ही हम कंप्लीट करते हैं हमारा आज का लास्ट ब्लॉग ऑफ 21 डेज चैलेंज। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा या थोड़ा भी नॉलेजफुल लगा तो प्लीज गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, मुझे ऐसे ही सपोर्ट कीजिए। एंड यस, लेट मी नो कि आपको इस सारे वीडियो में क्या पॉइंट अच्छा लगा एंड क्या पॉइंट आपको सही नहीं लगा, मैं वो भी जानना चाहूंगी, क्योंकि आपका सजेशन मुझे बहुत मैटर करता है। अगर 21 डेज का चैलेंज आप लोग ने एक्सेप्ट किया था एट द बिगिनिंग ऑफ द डे जब मैंने स्टार्ट किया था, तो मुझे बताइएगा कि आप लोगों के साथ क्या क्या एक्सपीरियंस हुआ। अगर नहीं किया है तो क्यों रुके हो, तो जल्दी कीजिए और मुझे वो बताइएगा कि आप लोगों को कैसे फील हो रहा है। सो मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ जल्दी ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल गाइस, सी यू सून, बाय बाय एंड टेक केयर।